हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये सुबह के टाइम है और सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और मैं ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं, मशीन लगा दिया था मैंने सुबह ही। तो कपड़े मैंने सोचा पहले डाल देती हूँ और चाय नाश्ता सबका हो चुका है, केवल हमें डिनर बनाना है, सॉरी लंच बनाना है। तो अभी मैं लंच बनाऊंगी। तो चलिए पहले कपड़े डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो कपड़े मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। और ये देखिए, ये कुछ कपड़े रखे हैं जिनका हमें तह लगाना है। तो ये कल के रखे हुए कपड़े हैं, मतलब कल के धुले कपड़े हैं जो सूख चुके हैं, जिनका हमें तह लगा के रख देना है। तो अभी मैं कपड़े को तह लगा दूंगी, फिर उसके बाद नीचे जाऊंगी। तो वही सोच रही हूँ बार बार ऊपर क्यों आएँ, एक बार आई हूँ तो कपड़े तह लगा कर ही फिर जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े तह लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए। और थोड़े से कपड़े थे, 2-3 दिन के कपड़े थे जिनको मुझे तय लगाना था, तो वो भी मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में और किचन में बनाऊंगी लंच। तो आज मैं सब्जी में बनाऊंगी आलू बैंगन टमाटर की सब्जी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है उबले हुए आलू की। और साथ में बनाऊंगी चावल। तो चावल हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए चावल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। तो केवल सब्जी और चावल ही बनाना है आज, सिंपल ही सा खाना है आज। बहुत मन हो रहा था केवल सब्जी चावल खाने के लिए, तो बच्चों ने कहा मम्मी यही बना दो, तो मैंने सोचा चलिए बना देते हैं। और आप लोग बताइएगा कैसे हो। और मेरा बातें नहीं करेंगे, किचन में चलते हैं और सब्जी बनाते हैं। देखिए ये आलू उबले हुए आलू हैं, और ये बैंगन। आलू को मैं हाथों से फोड़ूंगी। हाथों से फोड़ने से क्या होता है कि इसका ग्रेवी अच्छा बनता है, और चाकू से काटने से वैसे ही आलू बनी रहती है। तो इस तरीके से हाथों से फोड़ लेने से अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाती है, इसलिए मैं हाथों से फोड़ रही हूँ। तो देखिए आलू मैंने फोड़ लिया है। सब्जी में क्या है, टमाटर जो है थोड़ा बड़ा ही कट करना चाहिए इस तरीके से।
इस तरीके से। आलू को फोड़ के रख लिया है, बैंगन और टमाटर को भी कट करके रख लिया है, और ये देखिए प्याज और हरी मिर्च और लहसुन की 2-3 आड़ी मैंने लिया है। अब इनका हम पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट में थोड़ा सा हम लोग राई भी लेंगे। तो राई से क्या होता है, सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन आता है तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको पीस करके रख लूँगी। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानिए। तो कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए, और इसी मसाले में मैं मसाला निकाल लूँगी इसी पेस्ट में। तो इसमें लिया है हल्दी, धनिया, थोड़ा सा चिल्ली मिर्च कलर वाला, और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही मैं नमक डाल दूँगी और इसे रख दूँगी फूलने के लिए। और कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें तेल मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा और तेल डालूँगी। ये देखिए तेल मुझे कम लग रही है, तो थोड़ा सा तेल और डालूँगी। और इसमें डालूँगी मेथी के कुछ दाने, तो ये सब्ज़ी में मेथी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेथी डालने के बाद थोड़ा सा इसे चटकने दूँगी, फिर उसके बाद मसाले को डाल के भूनूँगी। मसाला हमें ढक ढक के भूनना है। तो ये देखिए मसाले को ढक दिया है, फिर से इसमें एक पुड़िया में मसाले डाल रही हूँ, सब्जी मसाला जो आता है। तो इससे क्या होता है, सब्जी का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। और इसे टमाटर भी डाल दूँगी मसाले में, और फिर से ढक दूँगी, ऐसे ही पकाऊँगी ढक ढक के। फिर देखिए ये एक मिनट बाद मैं देख रही हूँ, तो अब मैं इसमें बैंगन भी डाल दूँगी और फिर से इसे ढक दूंगी, ताकि बैंगन और टमाटर अच्छे से गल जाए। आलू तो उबली हुई है, आलू पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से बैंगन की सब्ज़ी आप लोग जो बनाएंगे तो वाकई में बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए आलू मतलब बैंगन और टमाटर पक चुकी है, और टमाटर जो है थोड़ा सा गल भी चुका है, और इसमें आलू भी डाल दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आलू डाल करके फिर आलू क्यों निकाल रही है। तो फ्रेंड्स आलू ज़्यादा है इसलिए मुझे निकालना पड़ा। तो सब्जी देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें फिर पानी डालूंगी। गुड इवनिंग। तो सुबह से मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, और मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बातें कर लूँ और वीडियो का एंड भी कर दूँ। तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैं बन रहा है, तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल और रोटी। तो आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, ये देखिए नीचे, और वहाँ देखिए चावल भी रेडी है।
तो हो जाता है, धीरे धीरे करती रहती हूँ। करीब 9 बजे, 9:30 बजे तक सब लोग डिनर करते हैं, तो इसलिए कोई घाई नहीं रहती है, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। तो आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो में अगर कुछ कमी रह जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है आप लोगों को, तो प्लीज़ अपने फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ से भी आप जुड़े हैं तहाँ से मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि और लोगों के बीच जाए। और मेरा और मेरी वॉच टाइम जल्दी से पूरा करवा दीजिए प्लीज़, क्योंकि वॉच टाइम मेरी बहुत ज़्यादा कम है, आप लोगों को पता नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वॉच टाइम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। और अभी तक मेरी कोई भी वीडियो वायरल भी नहीं होती है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा फ्रेंड। तो आप ही लोगों से मैं कहूँगी बार बार कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, तो आप लोग चाहेंगे तो मैं आगे जा सकती हूँ, क्योंकि आप ही लोगों से मैं हेल्प मांगूंगी और किससे मांगूंगी। तो चलिए वीडियो का कर देते हैं एंड, तो मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।